Audio Jungle. Our students, class 12th maths exercise 3.2. अब स्टूडेंट्स इसमें देखिए ये आपका क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट का पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट। तो अब इसमें स्टूडेंट्स देखिए ए प्लस बी यानी मैट्रिक्स ए और बी का सम हमें फाइंड करना है। तो देखिए मैट्रिक्स ए जो आपका दिया है ये है 2 4 3 2 और जो बी दिया है ये बी है 1 3 -2 और 5। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए स्टूडेंट देखिए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। पहले इसको और इसको ऐड करेंगे, ये इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ये इसका a11 है, इसका a12 है, फिर इसके बाद इसको और इसको ऐड करेंगे, फिर इस 3 को और इस -2 को ऐड करेंगे, थोड़ा पास पास हो गया, फिर इसके बाद इसको और इसको ऐड करेंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें इन्हें ऐड करना है, बस ऐड करके हम इसको लिख देंगे। तो देखिए 2 + 1 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, फिर 4 + 3 हो जाएगा 7, फिर 3 और -2 तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, और 2 और 5 तो ये 7 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट्स ये ए प्लस बी हमें क्या हो गया, ये देखिए ए प्लस बी फाइंड हो गया। इस तरीके से ए प्लस बी हमें फाइंड करना था। अब इसके बाद जो है ए माइनस बी हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स। देखिए ए माइनस बी को फाइंड करने के लिए तो ये हमारा ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का मतलब है करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये 2 4 हो गया, ये 3 2 हो गया, और प्लस की जगह पे ये माइनस का हम यूज कर लेंगे। तो देखिए 1 3 -2 और 5। अब स्टूडेंट बस सब्ट्रैक्ट कर देना है, देखिए तो ये हो जाएगा। देखिए सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 -1 4 -3, यानी हम आपको डिटेल में बता दे रहे हैं। फिर इसके बाद हो जाएगा 3, क्योंकि इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 + 5, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है ऐड होते हैं, यानी साइन के अकॉर्डिंग अगर प्लस है तो ऐड हो जाएंगे, माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब ये आ गया 1, यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये माइनस का 5 आएगा। यहाँ पर जो है 5 आएगा माइनस का, ये यहाँ पर ये जो साइन आएगा स्टूडेंट देखिए इस माइनस का मल्टीप्लाई इस -1 में करेंगे, फिर -3 में होगा, इसमें करेंगे तो +2 होगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 - 5 हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स आएगा 2 - 5। अब देखिए ये 1 हो गया, ये 3 2 + 5 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा -3। तो इस तरीके से इसको स्टूडेंट हमें सॉल्व करना था। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे 3a - c। तो 3a - c को जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम 3 ले लेंगे, और फिर इसके बाद a का मतलब हो गया 2 4 3 2 -c। अब c की वैल्यू हम रख देंगे तो ये -2 और ये हो गया 5 और ये हो गई 3 और ये आ गया 4। अब स्टूडेंट इस 3 का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस 3 का ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा आ जाएगा देखिए 6 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6 माइनस। अब ये हो गया -2 और ये आ गया 5 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। बस अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 + 2
इस माइनस का मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे, 12 माइनस 5, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 3, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे यानी इस माइनस से, तो ये आएगा 6 माइनस 4। बस अब इसी को ओपन करके देखिए, एड सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए, तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसके बाद हमें देखिए, इसी क्वेश्चन का ये पार्ट है, ठीक है, इसमें जो ए की वैल्यू दी गई थी वो यहाँ हम फिर से लिखे हुए स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू दी गई थी 2432, 2432, और जो बी की वैल्यू दी गई थी वो थी 13 माइनस 25, 13 और -25, तो इस तरीके से ये आ गया स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं कि दो मैट्रिक्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होगा। तो अगर स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर मान लीजिए m बाई n और एक दूसरा मैट्रिक्स है b, ठीक है, इसका ऑर्डर जो है वो अगर n बाई p है, कितना है इसका, इस तरीके से लिख देंगे स्टूडेंट्स, देखिए इसका ऑर्डर जो है वो n बाई p है, तो इसकी कंडीशन ये होती कि अगर इसका कॉलम यानी पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और इसकी रो अगर ये इक्वल है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो अगर ये आपस में इक्वल हैं, तभी इनका जो है मल्टीप्लिकेशन या इनका प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन होगा, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं होगा। और इसके बाद जो हमें ए बी मिलेगा तो उसका जो ऑर्डर होगा, तो ये जो बचा है यहाँ पर बचा है एम और इधर बचा है पी, तो इसका ऑर्डर जो है वो एम बाई पी का हो। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब मान लीजिए इसका ऑर्डर देखिए 2 बाई 2 है, मानना नहीं है, दिया है 2 बाई 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 बाई 2 है, तो अब इसमें देखिए दोनों आपस में सब सेम है, तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है, ठीक है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमेशा डिफाइन होगा। अगर दोनों जी 2 बाई 2 का है, ये 2 बाई 2 का है, अगर यहाँ 2 बाई 3, 3 बाई 2 होता तो हमें चेक करना पड़ता, क्योंकि इसमें रो कॉलम इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमें यहाँ पे ए बी मिलेगा, इस ए बी का जो ऑर्डर होगा वो 2 बाई 2 का होगा, तो सबसे पहले हम 2 बाई 2 का एक मैट्रिक्स लिखेंगे, A11, A12, A21 और A22। तो अब इसका मतलब है कि पहली रो और पहले कॉलम का मल्टीप्लाई करके हमें A11 की प्लेस पर लिखना है, ठीक है। A11 का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फिर स्टूडेंट्स A12 का मतलब क्या है, देखिए तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, कौन सा कॉलम हो जाएगा, सेकंड कॉलम हो जाएगा, ठीक है, तो इसको इस तरीके से करना है। फिर देखिए A21 का मतलब है सेकंड रो इनटू ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। फिर स्टूडेंट देखिए A22 का क्या मतलब है, सेकंड रो
और सेकंड कॉलम, इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए फर्स्ट रो ये है हमारी, ये फर्स्ट रो है, तो इसका मल्टीप्लाई पहले हम करेंगे इस वाले, इस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम में। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो देखिए ए वन वन कितना आएगा, ए वन वन कितना आ जाएगा, ए वन वन जो हमारा आएगा स्टूडेंट्स वो आ जाएगा टू इंटू वन, फिर प्लस फोर इंटू माइनस टू, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई होता है तो ये आ जाएगा टू माइनस एट, तो ये आ गया आपका माइनस सिक्स, ये आ गया आपका माइनस सिक्स। ठीक है, फिर हम निकालेंगे ए वन टू, ए वन टू में फर्स्ट रो और अब कॉलम सेकंड हो जाएगा, रो सेम रहेगी, तो देखिए एस टू का मल्टीप्लाई, ठीक है एस टू का मल्टीप्लाई हम थ्री में करेंगे, एस फोर का मल्टीप्लाई हम कर देंगे फाइव में, ठीक है तो ये आ जाएगा टू इंटू थ्री प्लस फोर इंटू फाइव, ये आ गया सिक्स प्लस ट्वेंटी, तो इसका आंसर हो गया स्टूडेंट कितना 26। ए वन टू, अब इसी तरीके से ए टू वन, अब रो हमारी चेंज हो जाएगी। अब देखिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का, तो इसका मल्टीप्लाई होगा थ्री इंटू वन प्लस टू इंटू माइनस टू, ये हो जाएगा टू इंटू माइनस टू, ठीक है तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स थ्री माइनस फोर, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड रो और सेकंड कॉलम का, अब मल्टीप्लाई हम कर देंगे ए टू टू का, तो जब स्टूडेंट ए टू टू का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो देखिए थ्री इंटू थ्री, फिर इसके बाद आ जाएगा टू इंटू फाइव प्लस टू इंटू फाइव, तो ये आ गया आपका नाइन प्लस टेन, ये आ गया नाइनटीन। अब स्टूडेंट्स जो ए बी की वैल्यू आएगी वो देखिए आपकी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी आपका ही आ जाएगा इस तरीके से, तो ए वन वन कितना आया था, ये आया था माइनस सिक्स, ठीक है फिर आया था हमारा ए वन टू, ये आया था ट्वेंटी सिक्स, फिर इसके बाद आया था ए टू वन, तो ये आया था माइनस वन, फिर ए टू टू आया था, ये स्टूडेंट्स हमारा आया था नाइनटीन। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से करने थे। अब स्टूडेंट इसी तरीके से अभी हमने ए बी का किया था, अब हम इसके बाद करेंगे ठीक है बी ए का, इसी तरीके से मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स अब हमें करना है बी ए का। तो अब देखिए बी ए का जो मल्टीप्लाई हम करेंगे ठीक है, तो बी ए का मल्टीप्लाई करने में अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, अब हम स्टूडेंट्स देखिए पहले बी को लिखेंगे, हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा वन थ्री और ये हो जाएगा माइनस टू और फाइव, तो पहले हमने बी को लिख दिया, अब इसके बाद हम लिखेंगे ए को, तो ये हो गया टू फोर और थ्री टू। अब देखिए इसका हम स्टूडेंट डायरेक्ट कर देंगे, अब देखिए हम पहले इस फर्स्ट रो का, ये हमारी फर्स्ट रो हो गई और ये फर्स्ट कॉलम हो गया, तो वन इंटू टू टू आएगा प्लस थ्री थ्री या नाइन आएगा, तो ये हो गया ए वन वन। अब ए वन टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा वन इंटू फोर, तो फोर आ गया और थ्री टू या सिक्स,
फिर माइनस टू और हम टू का करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस फोर, क्योंकि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का करेंगे तो माइनस टू और टू का करेंगे माइनस फोर, और फाइव थ्री या फिफ्टीन। फिर इसी तरीके से इसका यहाँ कर देंगे, देखिए तो माइनस टू और फोर का करेंगे तो ये आएगा माइनस एट, माइनस टू और फोर का, और फाइव और टू का करेंगे तो ये आ गया टेन। बस अब इसी को जो है सॉल्व करके आंसर हम लिख देंगे, देखिए ये आ गया हमारा इलेवन, ये आ गया टेन, और ये आ गया यहाँ भी इलेवन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा टू। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसको हमें सॉल्व करना था, इलेवन टेन इलेवन टू। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन आपके इस तरीके से थे, इसको सॉल्व करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ हमारे चैनल को आप